दोस्तों, अगर आप अपने चैनल पर कमेंट्री टैब का इस्तेमाल करते हैं, कमेंट्री में पोस्ट करते हैं, तो आपको आज का ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कमेंट्री टैब में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका इस्तेमाल लोग करके अपने चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ा रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी इस नए फीचर का इस्तेमाल कमेंट्री टैब में कीजिए और आपके भी चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है देव साहनी और आपका स्वागत है टेक्नो गुरुदेव यूट्यूब चैनल पर। पहली बार चैनल पर आए तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नो गुरुदेव कोई भी यूट्यूब वीडियो कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी अपडेट मेरे पास आती है उसको आप तक पहुंचाने का मेरा काम होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कमेंट्री टैब क्या है, कमेंट्री टैब के नए फीचर का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, और यदि आपके चैनल पर कमेंट्री टैब अभी तक इनेबल नहीं है तो उसको आप कैसे इनेबल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले YouTube के कमेंट्री टैब के बारे में जानिए। दोस्तों, YouTube पर वीडियो के सिवाय आप कमेंट्री टैब का इस्तेमाल करके इमेज भी पोस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, या जो है आप वहां पर क्विज भी पोस्ट कर सकते हैं, एंड आप वहां पर इमेज के माध्यम से पोल भी पोस्ट कर सकते हैं लोगों की राय जानने के लिए, लोगों का इंटरेक्शन अपने चैनल पर देखने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कमेंट्री टैब का इस्तेमाल करके आज बहुत सारे चैनल फास्टली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपके वीडियो के अतिरिक्त भी लोगों को यहां पर जुड़ने का मौका मिलता है, आपका कमेंट्री टैब जो है वायरल भी होता है, और ये जो है अदर ऑडियंस के साथ भी शेयर करता है यूट्यूब, ताकि आपके चैनल पर दूसरे ऑडियंस भी इंटरेक्शन दिखा सकें। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर आप अपने चैनल पर चार तरीके से ऑडियंस को ला सकते हैं। पहला है वीडियो के माध्यम से, अगर आप वीडियो डालते हैं तो भी ऑडियंस आपके चैनल पर आएंगी। दूसरा है दोस्तों स्टोरी का माध्यम, अगर आप स्टोरी पोस्ट करते हैं तो भी ऑडियंस आपके चैनल पर आएंगी। तीसरा है दोस्तों कमेंट्री टैब, अगर आप कमेंट्री पोस्ट करते हैं तो भी ऑडियंस आपके चैनल पर आएंगी। चौथा है दोस्तों, अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हैं तो भी नई ऑडियंस आपके चैनल पर आती हैं। तो दोस्तों, कमेंट्री टैब में एक नया फीचर ऐड हुआ है, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को कमेंट्री टैब का अभी तक ऑप्शन ही नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों कमेंट्री टैब अब जो है 500 सब्सक्राइबर पर नहीं, केवल 0 ही सब्सक्राइबर पर आपके चैनल पर इनेबल हो जाता है। इसको इनेबल करने के लिए आपको थोड़ा सा एक सेटअप करना होता है। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब ऐप ओपन कर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यूट्यूब ऐप को ओपन किया, और यहाँ पर दोस्तों अगर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कमेंट्री टैब का ऑप्शन मिला होगा तो यहाँ पर आपको एक क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसको दोस्तों आपको सबसे पहले वन टाइम वेरिफिकेशन नीडेड होता है। यहाँ पर आप वन टाइम वेरिफिकेशन करेंगे तो ये पूरी तरीके से एडवांस फीचर यूट्यूब का आपके चैनल पर इनेबल हो जाएगा, और उसी एडवांस फीचर में आपको कमेंट्री टैब भी दिया जाता है। तो सबसे पहला है यूज वीडियो वेरिफिकेशन, जिसमें कि दोस्तों 30 सेकेंड के अंदर ही आपका जो है वीडियो वेरिफिकेशन हो जाता है, और ये एडवांस फीचर आपके चैनल पर इनेबल हो जाता है। अगर आप वीडियो वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते तो उसके नीचे दूसरा ऑप्शन दिया गया है यूज योर वैलिड आईडी। इसमें दोस्तों 1 डे का टाइम लग सकता है। अगर आप वैलिड आईडी के माध्यम से जो है यहाँ पर वेरिफिकेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइक पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स से अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो ये फीचर आपके चैनल पर 1 डे में इनेबल हो जाएगा। अगर दोस्तों ये दोनों ऑप्शन का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो नीचे है बिल्ड चैनल हिस्ट्री। अगर आप दोस्तों बिल्ड चैनल हिस्ट्री, मतलब कि अपने चैनल पर आप जो यूजुअली अप टू 2 मंथ्स, कम से कम 2 महीने के अंदर एक अच्छा हिस्ट्री चैनल का बनाते हैं, जैसे कि आप पोस्ट करते हैं, वीडियो डालते हैं, तरह तरह के जो अपने चैनल पर इंटरेक्शन दिखाते हैं, तो ये ऑटोमेटिक एडवांस फीचर आपके चैनल पर इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको इस फीचर को इनेबल कर लेना है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं चैनल के सेटिंग में जाकर, तो मैं आपको बता देता हूं कि कहां से फीचर आपको चेक करना है। तो दोस्तों, YT स्टूडियो में आने के बाद आपको नीचे जो है सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहां पर क्लिक करना है, और आपको दोस्तों यहां पर चैनल में आना है। चैनल में आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एडवांस फीचर पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये जो है हमने इनेबल कर रखा है। अगर आपका इनेबल नहीं होगा तो आप यहां से वही तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल करके इस एडवांस फीचर को इनेबल कर सकते हैं वेरिफिकेशन करने के बाद। तो दोस्तों, ये अगर आपके चैनल पर इनेबल हो जाता है तो अब मैं आपको बताता हूं कि आप कमेंट्री पोस्ट का एडवांस फीचर का जो नया फीचर आपको मिला है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यूट्यूब ऐप ओपन करना है, उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्रिएट पोस्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, आप अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्रिएट पोस्ट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेंगे कमेंट्री टैब का इस्तेमाल करके पोस्ट करने का। जैसे दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है क्विज का, दूसरा है टेक्स्ट पोल का, तीसरा है इमेज पोल का, और चौथा है टेक्स्ट का।
दोस्तों यहाँ पर जो क्विज का नया ऑप्शन है, ये नया फीचर ऐड किया गया है कम्युनिटी टैब में, और इसी का इस्तेमाल करके लोग अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। कैसे इसका इस्तेमाल करना मैं आपको बता देता हूँ। क्विज के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको क्विज पोस्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, नीचे उसका आंसर टाइप कर सकते हैं और उसको लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे एग्जाम में क्विज एग्जाम होता है, और उसी तरीके से अब आप अपने चैनल पर क्विज खेल सकते हैं लोगों के साथ। अगर आपका एजुकेशन या जीके का चैनल है तो ये आपके लिए तो यार एक अमृत वरदान साबित होने वाला है। तो क्विज को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चैनल पर। दूसरा फीचर है दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट पोल का। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट पोल करने का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर भी आप ऊपर जो है कुछ भी ऑप्शन या क्वेश्चन जो है पोस्ट कर सकते हैं, और नीचे जो है अपना ऑप्शन रख सकते हैं, लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर टेक्स्ट पोल का इस्तेमाल करके यहाँ पर कोई क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता हूँ कि ताजमहल किस स्टेट में स्थित है, और यहाँ पर मैं नीचे ऑप्शन डाल सकता हूँ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मुंबई, ये मैं ऑप्शन डालूंगा तो वहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये टेक्स्ट पोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपके चैनल पर जो है सब्सक्राइबर ग्रो करते हैं, ये वायरल भी होता है, अदर व्यूअर्स के पास भी आपका ये कम्युनिटी टैब का जो पोस्ट होता है वो शो किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों इमेज पोल का। इमेज पोल बहुत यार मज़ेदार फीचर है। यहाँ पर दोस्तों आप इमेज सेट कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, मैं यहाँ पर सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ एंड MS धोनी एंड दोस्तों एक और कोई प्लेयर मैं यहाँ पर फोटो के साथ पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पर लोग सिलेक्ट करेंगे कि ये प्लेयर जो है इंडिया का जो है कैप्टन है इस टाइम। तो इस तरीके से आप जो है अपने चैनल पर जो है ये फोटो का पोस्ट कर सकते हैं क्रिएट पोस्ट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इमेज पोस्ट के बाद टेक्स्ट का, और यहाँ पर टेक्स्ट में आप कुछ भी किसी को मेंशन कर पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने चैनल का कोई वीडियो शेयर कर सकते हैं, और किसी के साथ अगर आपने कोलैबोरेशन वीडियो बनाया है तो उसको जो है मेंशन कर सकते हैं @ लगाकर। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, @ हम लगाकर टेक्नो गुरुदेव को सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो गुरुदेव का चैनल आ चुका है। मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये जो है मेंशन हो जाएगा, और यहाँ पर इसके आगे मैं कुछ भी पोस्ट करूँगा तो ये पोस्ट तो वायरल हो गए, साथ ही में जिसका चैनल मैं यहाँ पर मेंशन किया रहूँगा लोग यहाँ पर क्लिक करके उसके भी चैनल पर विजिट कर पाएंगे। तो दोस्तों कम्युनिटी टैब में ये जो नए फीचर ऐड किए गए हैं इसका आप इस्तेमाल कीजिए, और अपने कम्युनिटी टैब में की गई पोस्ट को वायरल कीजिए। और इसका इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली आपके चैनल पर सब्सक्राइबर ग्रो करने लगेंगे और आपका चैनल भी बूस्ट होने लगेगा। उम्मीद है दोस्तों कि मैंने जो आपको कम्युनिटी टैब के नए फीचर अपडेट के बारे में आपको बताया है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर YouTube की हर वो अपडेट आपको देखने को मिलती है जो कहीं और नज़र नहीं आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड गुड बाय।